reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Unboxing karte hain Realme 11 Pro 5G mobile. ये मोबाइल मई 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें तीन कलर मिल जाते हैं, एस्टल ब्लैक, सनराइज बेक और ओसिस ग्रीन। इसमें मेमोरी के टोटल चार ऑप्शन मिलते हैं, 8GB रैम 128GB, 8GB रैम 256GB, 12GB रैम 256GB और 12GB रैम 512GB। अभी हमारे पास है एस्टल ब्लैक कलर का 8GB रैम 256GB रियलमी 11 प्रो 5G मोबाइल। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बॉक्स देख लीजिए, 5G 11 Pro Realme। साइड से देखिए Realme, और ये साइड से देखिए Realme 11 Pro 5G मोबाइल। बैक साइड पे उसकी डिटेल है, आप पुश करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो फिर बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले और एक बॉक्स मिल जाता है, इसमें क्विक गाइड है और ये इंफॉर्मेशन गाइड, सिम पिन और ये मोबाइल का कवर। मोबाइल का कवर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लाइट ब्लैक कलर में है। इसे साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं चार्जर। तो ये जो चार्जर है जीसीसी कंट्रीज़ में यूज होने जाने वाला प्लग है। तो अगर आपको इंडिया में यूज़ करना है तो आपको एक एडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। 67 वॉट का फास्ट चार्जर है और ये टाइप सी चार्जिंग केबल। केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बॉक्स को साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं मोबाइल। 6.7 इंच का बिग साइज का एमोलेड कर्वेड डिस्प्ले इसमें मिलता है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जिससे आप 1080 पिक्सल पैनोरामा शूटिंग कर सकते हैं। साइड से देखिए पावर की बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन मिलता है। नीचे एक स्पीकर मिलता है चार्जिंग के लिए टाइप सी पॉइंट। एक माइक मिलता है, सिम ट्रे जिसमें आप दो नैनो सिम डाल सकते हैं, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। ये साइड पे कोई भी बटन नहीं है और ऊपर और एक स्पीकर मिलता है और एक नॉइस कैंसलेशन का माइक मिलता है। बैक साइड पे देखते हैं तो रियलमी का लोगो यहाँ पे है। मैट फिनिशिंग में प्लास्टिक का बॉडी है। कैमरा सेक्शन देखिए तो राउंड शेप में कैमरा सेक्शन है। 100 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, जिसे मेन कैमरा भी बोलते हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। आप इसमें 4K शूटिंग कर सकते हैं। HDR का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी इसमें मिलता है। बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हैं और बैटरी 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, तो आपका मोबाइल एक घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अभी मोबाइल को ऑन करते हैं। मोबाइल ऑन हो गया। एंड्रॉयड 13 इसमें मिलता है। वर्जन है रियलमी UI 4.0। CPU ऑक्टाकोर कोटेक्स A55 मिलता है। वाईफाई 802.11 ड्यूअल बैंड वाईफाई इसमें मिलता है। ब्लूटूथ 5.2 मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर द डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है। NFC इसमें मिल जाता है। रेडियो इसमें नहीं मिलता है। मेमोरी कार्ड भी आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। 3.5mm जैक भी इसमें नहीं मिलता है और मोबाइल का वजन 183 ग्राम है। मोबाइल का स्पीड चेक करते हैं, देखते हैं 8GB रैम के साथ हमें मोबाइल का स्पीड कैसा मिलता है। तो स्पीड चेक करने के लिए हम गूगल न्यूज़ में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं स्पीड बहुत ही अच्छा स्पीड मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो देखिए फास्ट स्क्रॉलिंग करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा स्पीड मिलता है। देख जाते हैं, गूगल क्रोम में जाते हैं। तो गूगल क्रोम में आपने जो भी सर्च किया है आप दोबारा इसे सर्च करते हैं तो तुरंत ओपन हो जाता है। देखिए स्पीड, प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर का स्पीड देखिए। अभी मैं एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये जो गेम है 185 MB का, इसे डाउनलोड करके देखते हैं कितना टाइम में डाउनलोड हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं 186 MB का ये एप्लीकेशन है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया। बैक जाते हैं, यूट्यूब का स्पीड चेक करते हैं। तो देखिए यूट्यूब का स्पीड बहुत ही अच्छा स्पीड मिलता है। मेरी चैनल में जाते हैं, कार एंड होम एसेसरीज, तो आप भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मोबाइल अनबॉक्सिंग और घर में यूज होने वाली आइटम की वीडियो मिल जाएगी। एक वीडियो ऑन करते हैं दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं शाओमी रेडमी A1 Plus मोबाइल। ये मोबाइल इसी महीने सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें तीन कलर मिल जाते हैं, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू और ब्लैक। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं वीवो V29 लाइट 5G मोबाइल। ये मोबाइल जून 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें दो कलर मिल जाते हैं, ब्लैक एंड गोल्ड। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, 8GB रैम, 128। बैक जाते हैं, पबजी ऑन करके देखते हैं। तो मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ, इसके लिए मुझे गेम का कोई शौक नहीं है। दूसरा एक गेम ऑन करके दिखाता हूँ, ये लूडो का गेम है। तो गेम का भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है ये मोबाइल में। तो अगर आपका चैनल गेमिंग का है, आप गेम खेलने का शौकीन है, तो आपको ये मोबाइल बहुत ही काम आने वाला है। डिस्प्ले का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है, कर्वेड डिस्प्ले है। तो देखिए साइड से सेटिंग में जाते हैं, अबाउट डिवाइस, रियलमी UI 4.0 ऑफिशियल वर्जन, डिवाइस नेम रियलमी 11 Pro 5G, स्टोरेज 256 GB, मॉडल RMX 3771, प्रोसेसर मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh, स्क्रीन साइज है 6.7 इंच, एमोलेड डिस्प्ले, रैम 8GB प्लस 12GB का रैम भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कैमरा 16 MP, रियर कैमरा 100 MP प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा, एंड्रॉयड वर्जन 13, और यहाँ पे वर्जन बिल्ड नंबर, बजट वर्जन, कैनल वर्जन, कलर वर्जन, हाइब्रिड वर्जन। बैक जाते हैं दोस्तों, कैमरा का रिजल्ट चेक करने के लिए हम गार्डन में आए हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, रियलमी 11 प्रो से शूट किया है, मोबाइल का कैमरा है 100 MP का। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे ही आप फास्ट मूविंग करते हैं मोबाइल को, तो भी इसमें पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं धीरे धीरे जूम करता हूँ, सामने जो बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जूम में भी कैमरा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं अभी 10x जूम है, बहुत ही अच्छा क्लियरिटी मिलता है जूम में। अभी धीरे धीरे मैं जूम आउट कर रहा हूँ। तो मैंने हाथ से मोबाइल को पकड़ा है, इसके लिए थोड़ा शेकिंग हुआ है। सामने और एक बिल्डिंग है, इसे मैं फुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो बिल्डिंग मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, अभी 10x जूम हो गया। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियरिटी मिलता है, बिल्डिंग का जो टेरेस है वो एकदम क्लियर नज़र आता है। अभी धीरे धीरे मैं जूम आउट करता हूँ। नज़दीक से देखिए कैमरा का रिजल्ट, बहुत ही अच्छा कैमरा का रिजल्ट मिलता है इसमें।
वीडियो में आपने देखा एस्टल ब्लैक कलर का रियलमी 11 प्रो 5G मोबाइल। तो आप ये मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप 8 GB रैम 256 GB का मोबाइल लेते हैं तो आपको इंडिया में 25,000 में मिलेगा, और अगर आप 12 GB रैम 256 GB का मोबाइल लेते हैं तो आपको इंडिया में 30,000 रुपये में ये मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन 12 GB रैम का मोबाइल में आपको मेन कैमरा 200 MP का मिलता है और सेल्फी कैमरा 32 MP का मिलता है। तो अगर आपका चैनल यूट्यूब का है, आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का रील्स बनाते हैं तो आपको ये मोबाइल बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों आप इसे परचेस करना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो अभी वीडियो को एंड करने का समय है, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।